आधे घंटे में 20 बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या करने वाले मामले में परिजनों ने सौ को लेकर थाने का किया घेराव, पुलिस की कानून व्यवस्था पर लगाया आरोप। परिजनों का आरोप है कि थाने के समीप चाकू से बेरहमी से गोद कर हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस तमाशा देखती रही। शनिवार रात्रि में तहसील रंगमंच के सामने रामलीला चल रही थी, इसी दौरान थाने के पास करीबन 6 से 7 बदमाशों ने एक युवक पर बेरहमी से चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, लेकिन थाने के सामने पुलिस रामलीला में तमाशा देखती रही। पास में बदमाशों ने युवक का मर्डर कर दिया। घायल युवक को रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक रवि नायक पुत्र जगदीश नायक के शव का अलवर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन परिजनों में पुलिस की कानून व्यवस्था को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने शव को रामगढ़ थाने के सामने रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। मृतक के भाई जय सिंह ने बताया कि मेरे भाई की थाने के पास बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी, लेकिन पुलिस रामलीला में लगी रही, लेकिन बदमाशों ने थाने की नाक के नीचे बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस पर आरोप लगाया कि हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस तमाशा देखती रही। परिजनों ने पुलिस पर बदमाशों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। आज दिनांक को जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी, थाने से थोड़े आगे रामलीला मैदान के पास में सब्जी मंडी में एक व्यक्ति घायल होकर पड़ा है। मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को सीएससी रामगढ़ भर्ती करवाया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में अलवर रेफर कर दिया गया, जहां से मृत घोषित कर दिया गया। लाश मोर्चे रूम में रखवाई गई है, इसका सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सर, क्या नाम है युवक का, क्या घटना घटित हुई है? जो रवि नायक सनोप जगदीश नायक निवासी नायक मोहल्ला रामगढ़ का है। घटना के बारे में तो अब जाके सूक्ष्मता से अनुसंधान किया जाएगा, जैसी स्थिति होगी खुलासा। तब पता चला मारपीट है या कोई धारदार हथियार? धारदार चाकू से, प्रथम चाकू से मारपीट करना पड़ा। क्या रामलीला देखने आए थे, देख के जा रहा था, इसके बारे में होगी अनुसंधान? पता चला हमलावर कौन थे, परिचित थे या कुछ? अभी कोई जानकारी नहीं है, अनुसंधान का विषय है, जैसी भी कोई बात होती है। क्या नाम है आप? समुंदर सिंह।